सब्सक्राइब कीजिए टिकटॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो फेसबुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है या नहीं हुआ है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है फेसबुक का प्राइवेसी सेटिंग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, आप एक फेसबुक यूजर है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपका काम आ सकता है। मेरा नाम है रश्मि, आप देख रहे हैं टिकटॉक, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, फास्ट में आपको बताऊं कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपका फेसबुक जो अकाउंट है वो हैक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप फेसबुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूँ आप वैसे कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन सेटिंग एंड प्राइवेसी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा अकाउंट सेटिंग, यहाँ पर उसके बाद आपको अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक सिंपल फास्ट आएगा जनरल, और जनरल के नीचे आएगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फास्ट आएगा रिकमेंडेड, उसके बाद आएगा हो आर यू लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करके देख सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं आपका जो मेरा जो है सैमसंग गैलेक्सी जे प्राइम पर लॉगिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी जो फ़ोन है वहाँ पर आपको लॉगिन है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो डिवाइस टाइप अननोन, यहाँ पर जैसे भी आपको ऐसा टाइप दिखेगा और भी जो भी आपको कन्फ्यूज लगेगा कि वो मेरा डिवाइस नहीं है, वो मेरा लॉगिन नहीं है, उसका उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लॉगआउट पर क्लिक करके वहाँ पर आपको लॉगआउट कर सकते हैं, जैसे कि आपका मेरा जो है वो मेरा डिवाइस पर ये सारे लॉगिन हुए हैं। यहाँ पर लॉगआउट ऑल सीजन पर मैं क्लिक करके मेरे सारे जो लॉगआउट है और मैं जान सकता हूँ कि मेरा एरिया में लॉगिन है, नहीं तो बाहर कोई लॉगिन होगा तो वहाँ का लोकेशन दिखाएगा, आप जानेंगे कि जैसे यूएसए कनाडा यहाँ पर लोकेशन दिखाएगा कि आप जान सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक हो गया है। ठीक है, आप जहाँ पर है वहीं का लोकेशन दिखाएगा लॉगिन पर, तो आप जान सकते हैं कि आपका अकाउंट हैक नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर जो लॉगिन यूजर पिक्चर प्रोफाइल, यहाँ पर आपको जो पिक्चर प्रोफाइल आप कभी भी किसी के मोबाइल पर लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपका जो है पिक्चर सेव हो जाता है, यहाँ पर आपको रिमूव कर देना है इसको। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको इसको सिंपल ऑन करना है। ठीक है, सिंपल ऑन करना है इसको, मैं इससे पहले से ऑन कर चुका हूँ, मैं आपको अभी देखा नहीं पाऊँगा, पर आप इसको तो टू यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इसको ऑन करना है, क्योंकि सोच लीजिए कि आपका फेसबुक यूजर नेम और पासवर्ड किसी को पता चल गया, फिर भी वो आपके फेसबुक पर लॉगिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद आप एक फ़ोन की नंबर देंगे। ठीक है, जो आपकी फ़ोन नंबर देंगे वही फ़ोन नंबर को एक OTP आएगा, वो OTP देने के बाद आपकी फेसबुक पर आप लॉगिन कर सकते हैं। यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ इसको आपको ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्राइवेसी के बारे में, जो मेनली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे सिक्योरिटी एंड लॉगिन के नीचे आएगा आपको प्राइवेसी, सिंपल आप प्राइवेसी पर क्लिक करना है, वो जो आएगा योर एक्टिविटी पर देखना है आपको, हु कैन सी योर फ्यूचर पर, इसका मतलब आप जब भी किसी को जो भी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं वो कौन कौन लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपको है मेरा है पब्लिक, मैंने इसका मतलब है ऑल वर्ल्ड लोग यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करके, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको यहाँ पर जैसे पब्लिक है, पब्लिक फ्रेंड करने के बाद आपका जो फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग है वो देख सकते हैं, उसके बाद ओनली मी है जो कोई नहीं देख सकता, आपके अलावा कोई नहीं देख सकता है, मैं पब्लिक कर चुका हूँ, आपको चाहिए आप पब्लिक कीजिए कि आपका सिक्योरिटी रीजन है तो आप ओनली मी कर लीजिए, क्योंकि आप जो पोस्ट करेंगे आपके बिना कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि ठीक है मैं पब्लिक कर चुका हूँ। और आपको फ्रेंड करने के बाद आपकी फ्रेंड लिस्ट में जितना लोग हैं आप जैसे फ़ोटो स्टेटस और जो भी अपडेट करते हैं वो आपकी फ्रेंड देख सकते हैं, मैं पब्लिक कर चुका हूँ, मैंने वो आपके इसका मतलब आप जो भी चाहिए वो भी इसको देख सकता है। ठीक है, यही थी जो ये प्राइवेसी का फास्ट ऑप्शन। उसके बाद आप देख सकते हैं हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर हु कैन सी योर पीपल एंड पेज लिस्ट यू फॉलो, उसको पब्लिक कर दीजिए, एंड उसके बाद आएगा हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पर आप कर सकते हैं आपको कौन कौन लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कर दिया हूँ एवरीवन, जो चाहिए मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चाहे तो कर सकते हैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, इसका मतलब आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो है उनका फ्रेंड लिस्ट में जो है वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट पठा सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, और उनके अलावा कोई सेंड नहीं कर सकता, जैसे कि म्यूचुअल फंड जिसका नहीं होगा वो
शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद आता है हु कैन सी योर फ्रेंडली। इसका मतलब आपका जितना भी फ्रेंड है आप किसको दिखाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ओनली मी, मेरा अलावा कोई नहीं दिख सकता है कि मेरा फ्रेंड कौन कौन है। ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हु कैन लुक अप योर ईमेल एड्रेस आप प्रोवाइडेड। आप जो भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वो कौन कौन लोग देख सकते हैं, इसलिए मैं इसको कर दे रहा हूँ फ्रेंड। मेरा फ्रेंड के अलावा और जो मेरा फ्रेंड लिस्ट में नहीं है वो मेरा ईमेल आईडी देख नहीं सकते हैं। उसका देखते हैं अब हु कैन लुक अप योर फोन नंबर यू प्रोवाइडेड। इसका मतलब है आप जो नंबर दिया हुआ है जो फेसबुक में वो कौन 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 नहीं दिख रहा है दिख देता है। यहाँ पर मेरा एवरीवन है। ठीक है, इसका मतलब मेरे फ़ोन के नंबर सारे लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स कर देता हूँ। ठीक है, मेरा एक्चुअल में फ़ोन नंबर दे नहीं दिया हुआ, मेरा ईमेल आईडी से दिया हुआ। यहाँ पर दिखाई देता हूँ डू यू वांट सर्च इंजिन आउटसाइड ऑफ फेसबुक लिंक यू प्रोफाइल। इसका मतलब है आप चाहते हैं कि आपका जो फेसबुक प्रोफाइल है वो गूगल पे सर्च में आए। यह मैं इसको नो करके रखा हूँ, आप चाहे तो इसको ऑन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोफाइल पिक जो है वो गूगल पे नहीं आए। ठीक है, यही थी जो प्राइवेसी सेटिंग। इसका मतलब है ये जो सेटिंग करने के बाद आपकी जो है अकाउंट हमेशा के लिए हैक नहीं होगा। फास्ट है जो है मैं आपको बता देता हूँ, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको इसको ऑन करना है। ठीक है, उसके बाद फेस रिकॉग्निशन सेटिंग। इसका मतलब है आप चाहे तो आपकी जो है फोटो आपकी फेस रिकॉग्निशन होगा और ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही थी जो प्राइवेसी सेटिंग। और इस सेटिंग को आपको करने के बाद आपकी जो अकाउंट है वो हैक कभी नहीं होगा। मेन जो सेटिंग है वो है प्राइवेसी सेटिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।